इधर शमशाबाद मंडी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 16 जून को प्रदेश के समस्त मंडियों का सामूहिक अवकाश और 21 जुलाई को समस्त कर्मचारियों द्वारा विधानसभा घेराव की चेतावनी की गई है। और दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की मंडी अधिनियम बिल का बदलाव कर निजी मंडियों को प्रोत्साहित करने का बिल पारित किया था और इसके विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर अधिनियम बदलाव करने की मांग की जा रही है। शमशाबाद मंडी सचिव जसवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि मंडी अधिनियम बदलाव से सरकारी मंडियों का और कर्मचारियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और किसानों को भुगतान में परेशानी आएगी, जिसका हम विरोध करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया है मंडियों में, इससे कर्मचारियों की वेतन भत्ते वगैरह परेशानी आएगी, निजी मंडियों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे मजदूर कृषकों को परेशानी होगी, भुगतान नहीं हो पाएगा उनका। इस कारण जो है पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लिया जाएगा 16 तारीख को, इस और 20 21 तारीख को विधानसभा पर प्रदर्शन होगा।